हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत मज़े मज़े के व्लॉग्स आने लगे हैं। तो आज का सिनेरियो ये है कि सबसे पहले हमने जाना है अपने स्टेशन पे किनाल पे, और वहाँ हमारा दोस्त वेट कर रहा होगा, उसे पैसे पकड़ने हैं एयरपोर्ट के पैसे। और फिर आज ही हम जाएंगे कॉलेज से, एक मेरा लेक्चर फ्री है तो उसमें हम जाएंगे फी सेंटर और अपने लिए एयरपोर्ट लेके आएंगे, फिर घर आके उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। अभी मैं खड़ा हूँ अपने स्टॉप पे, और यहाँ पहले हम कर रहे हैं मैं स्पीडो का वेट, ठीक है। उसके बाद वहाँ बैठ के किनाल जाएंगे, और वहाँ से फिर आगे कॉलेज, और उससे पहले अपने दोस्त से जो है वो हमने पैसे वगैरह पकड़ने हैं। तो अभी हम कर रहे हैं स्पीडो का वेट। जी, तो आज के साथ भाई पैसे लेके आए हो हैं? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कैसे हो? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, तो पैसे शैसे आ गए हैं सारे। तो फाइनली तुम लोग देख सकते हो, ऑलमोस्ट 6 महीने के बाद हम आ चुके हैं अपनी क्लास के अंदर वापस। व्यू जाकर ऊपर से, वो सामने बड़ा है मेरा बैग, क्या बात है। आज ये हमारा तर्जमतुल कुरान का पहला लेक्चर है। तो आज वैसे भी हमें 4 बजे छुट्टी है, तो ये अभी मेरे क्लास फेलो बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं टीचर का। अभी टाइम नहीं हुआ, अभी टाइम से पहले ही सारे आ गए हैं क्लास में। तो अभी हम चल रहे हैं अपनी सीट की तरफ, बैठते हैं और अपने फ्रेंड्स का वेट करते हैं। अभी हम निकल रहे हैं फी सेंटर के लिए। मेरे साथ जिशान है, और मैं और जिशान दोनों हम जा रहे हैं फी सेंटर। अभी चल रही है एयरपोर्ट्स की अनबॉक्सिंग, और जिशान भाई चेक कर रहे हैं। यार, तो फाइनली हमने एयरपोर्ट्स ले लिए हैं। ये राम हमारा जिशान, अभी हम जा रहे हैं वापस और घर जाके आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। वो भी ये चेक करो यार, फी सेंटर आए हुए थे हम लोग, मौली से फी सेंटर आए हुए डायरेक्ट। ओए चलो जी, अब वापस जा रहे हैं। अब जिशान भाई पहले मेंट करेंगे ड्रॉप, और आज रश भी बहुत कम है सड़क पे। हाँ जी, तो कैसा है चेक करो जी, पिछली वीडियो में भी आपको दिखाई थी ऑडी ई-ट्रॉन, ठीक है, और इसमें भी चेक करो। इसका फुल रिव्यू मैं बाद में लेके आऊँगा, अभी के लिए इतना ही यार। ओए यार, तो ये है फाइनल लुक एयरपोर्ट्स की। एयरपोर्ट्स के साथ साथ मैंने इसका केस भी ले लिया था, तो ये है फाइनल लुक इसकी। और ये चल रही है अभी हमारी फिजिक्स की लैब, सारे लैब में बिजी हैं। कर सकते हो, ये एफसी का व्यू, ये मेन रोड के सामने हम बिल्कुल खड़े हैं। ये सामने भी एक ब्लॉक है, और मेरे पीछे भी, और सामने एडमिन ब्लॉक है, और यहाँ से एग्ज़िट है, यहाँ से जहाँ से मर्ज़ी आप जा सकते हैं।
और ये रहा हमारा पार्क, और ये वही हमारा फिजिक्स ब्लॉक है। शान साहब खड़े हैं इस साइड पे भी, और ये ग्राउंड है जहाँ बैडमिंटन और वॉलीबॉल के नेट्स लगे हैं, और सामने कार पार्किंग। ये रहा एफसी का दूसरा गेट। ओए होए, ये व्यू चेक करो तुम लोग, क्या बात है। छुट्टी हो चुकी है हमें, हमारे साथ है जीशान, हम दोनों ने एक जैसे ग्लासेस भी पहनी हुई है इसलिए क्योंकि कल जब हम फी सेंटर गए थे तब दोनों ने साथ में ली थी। तो अभी हम आ चुके हैं बाइक पार्किंग में, ये मुझे वहाँ मेट्रो स्टॉप पे ड्रॉप करेगा। यार बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र है, 10-15 मिनट तो इस तरह लग जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसके साथ निकला जाए। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी बाइक के पास और फिर हमें ड्रॉप करेगा। ओके ब्रो, डन करो, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखना। द नेक्स्ट डे। ओए यार, तो अभी तुम लोग देख सकते हो मैं नहाना हो के खाना वगैरह खा लिया, नाश्ता वगैरह करके अभी हम निकल रहे हैं अपने कॉलेज को। तो ये एक नई सड़क है, ये हमारी सोसाइटी के बिल्कुल साथ एक सोसाइटी है, उसके अंदर से ये रोड जाती है और ये डायरेक्ट वही शौका खानम पे जाके निकलेगी जहाँ पर हमें पहुँचना होता है। तो मेन रोड से इसलिए मैं नहीं जा रहा क्योंकि ज़्यादा सफ़र जो है वो मैंने पैदल तय करना होता है, इस वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, बहुत ज़्यादा शोर होता है, इसलिए मैंने ना ये रूट लिया हुआ है। ये बहुत देखो सुनसान, हर तरफ अभी तक यहाँ कोई नहीं है, तो सुनसान काफ़ी जगह है ये, लेकिन बहुत अच्छी है। तो प्रो 10 मिनट का सफ़र करने के बाद अभी आप लोग देख सकते हो वो सामने रही मेन रोड, और सुबह का सीन चेक करें आप, कितना कमाल है। मेरे पीछे इस साइड पे सूरज है और उस साइड को हमने निकलना है वहाँ को सामने की तरफ। हाँ जी, तो अफसार भाई फुल टू फुल गेमों में मस्त हैं अपने मोबाइल में, चेक करें जी बैठे देखो किस तरह हुए हैं, फुल मस्त हुए पड़े। आए हाय, पूरी क्लास ही फुल मज़े के अंदर, अपनी अपनी मौजों में मस्त हैं, और इसको चेक करें ज़रा। आए हाय, तो फाइनली ब्रो हम आ चुके हैं नई वॉच के साथ, जैसा कि आप देख सकते हैं फुल लेदर स्ट्रैप्स ब्लैक कलर के अंदर और बहुत ही क्लासिक लुक के साथ हैं ये। नेक्स्ट जी आप देख सकते हैं ये रहा इसका लोगो पूरा, जो है वो पैट्रिक फिलिप का जो लोगो है वो हमें इंग्रेव मिलता है क्लैप्स के ऊपर। और साइड्स की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं दो स्टॉपवॉच के बटन हैं और साइड पे क्राउन है जिसके ऊपर इंग्रेव वो भी हुई है, और पूरी घड़ी जो है वो आप देख सकते हैं गोल्डन कलर में है, और इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है यार, ये बहुत ज़्यादा लग्जरी वॉच में आती है। साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं आपको दो क्राउन मिल रहे होंगे, वो इस वजह से क्योंकि ये ड्यूल डायल वॉच है, पीछे जो है वो आपको एक वाइट कलर का मिलता है और सामने जो है वो ब्लैक कलर का। तो वाइट कलर आप चेक कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और जब वाइट आपको अच्छा लगे तो आप वाइट यूज़ कर सकते हैं, जब आपको ब्लैक अच्छा लगे तो ब्लैक आप यूज़ करते हैं। वाइट में हमें डेट मिलती है लेकिन, और ब्लैक में हमें कोनोग्राफ देखने को मिलता है। तो प्रो फाइनली हम कॉलेज से फारिग हो चुके हैं, अब हम निकल रहे हैं घर को, और ये पहुंच गए हैं हम अपने घर। चले जी सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ के जाते हैं अपने कमरे में। ओए यार, तो फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी थी यार, अभी शूज़ वगैरह उतार लिए मैंने, और वो अपना दूसरा सामान वगैरह रखती है यहाँ, बैग वगैरह रखती है, और अब मैं शावर वगैरह लेके फ्रेश होके फिर बाकी अपना लंच करते हैं और उसके बाद पढ़ते हैं, या नींद आ गई तो सो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि कल मे भी हमें कॉलेज से छुट्टी हो, लेकिन अभी तक कोई मैसेज नहीं आया, मैं मैसेज का वेट कर रहा हूँ, मे भी 4 बजे तक हमें इन्फॉर्म कर दिया जाए कि आपको छुट्टी है। अगर मैसेज ना आया तो समझ लें कि कल फिर कॉलेज आना पड़ेगा, तो देखते हैं क्या होता है फिर। फाइनली ब्रो हम नमाज़ पढ़ के असर की बाहर आ चुके हैं, अभी तुम लोगों को मेरे मुंह से भी लग रहा होगा कि यार अभी मैं सो के उठाऊं तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो फिर मैंने सोचा था कि सो जाएं, अभी हम सो के उठ गए हैं नमाज़ वगैरह पढ़ के और वापस घर को जा रहे हैं। तो आज का व्लॉग मैं इधर ही एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।